हाय एवरीवन, मैं जस्ट ऐसे ही रैंडम थॉट्स लिखती हूँ। तो लास्ट संडे फ्रेंडशिप डे था, तो ऐसे ही अपने फ्रेंड्स पे लिखा है। तो लिखा है कि अब हर बात तो माँ बाप को बता सकते नहीं, राज कुछ ऐसे गहरे हैं जो दिल में भी छुपा सकते नहीं। कोई तो हो जो तुम्हें हर बात पे जज करे, जिससे कुछ भी कहने से पहले दिमाग सोचे ना दिल डरे। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े वो साथ निभाने को तैयार। सिर्फ नाम का नहीं दिल से रिश्ता निभाए थोड़ा समझदार हो। पार्टी और सेलिब्रेशंस के साथ साथ मुसीबतों और गमों में भी हिस्सेदार हो। कोई तो एक सच्चा दोस्त हो, सच्चा यार। खून का रिश्ता तो नहीं पर हमेशा साथ निभाए। तुमसे ना मिलने के बहाने ना गिनवाए। राय वो तुम्हें दे सही सिर्फ हाँ में हाँ नहीं, सही और गलत का फर्क भी बताए। उदासी मायूसी पास न भटकेगी अगर ऐसा एक भी शख्स जीवन में बनाए। राज को राज रखे अपने एहसानों को न जताए। तुम्हारी खुशी में खुश मुसीबतों में मददगार। कोई तो एक सच्चा दोस्त हो, सच्चा यार। तो मेरे हैं ऐसे कुछ दोस्त, अच्छे दोस्त हैं मेरे, आपके भी होंगे, अगर नहीं है तो बना लीजिए क्योंकि दोस्त बहुत काम आते हैं। तो ये थे मेरे दोस्त के ऊपर। अब रैंडम इमेजिनरी थॉट्स। तो कितनों को लगता है कि प्यार दोस्ती है? प्लीज रेज योर हैंड। प्यार दोस्ती है, प्यार दोस्ती है या दोस्ती प्यार है? वेरी गुड, प्यार दोस्ती है, ऐसा काफी लोगों को लगता है। तो उससे रिलेटेड बस इमेजिनरी लिखा है कि अच्छी खासी चल रही थी जिंदगी, ये मोहब्बत का आना जरूरी था। और चलो मानो हो गया तुम्हें हमसे प्यार, क्या बताना जरूरी था। कैसे मिलकर रहते थे हम साथ साथ, पक्की दोस्ती हमारी, करते थे घंटों ढेर सारी बात। कभी किताबें कभी पढ़ाई, जिंदगी की उलझने साथ में सुलझाते थे। हंसते खेलते रहते थे, एक दूसरे को कितना चढ़ाते थे। कभी पता चला ही नहीं कि तुम इससे ज्यादा भी कुछ चाहते थे। आज किस मोड़ पर ले आया है हमारा ये रिश्ता कि मोहब्बत तुम्हारी बस एक तरफा है, इसमें मेरी कोई मंजूरी नहीं। और जैसा प्यार तुम्हें हो गया मुझसे, मुझे भी हो जाए, ये तो जरूरी नहीं। तो लड़कों का अच्छा है, एटलीस्ट वो बता देते हैं, अपना टेंशन खत्म। अब लड़कियां बताएंगी भी नहीं, अनलेस एंड अंटिल दैट गाय गेट्स कमिटेड विद समवन एल्स। और जब कमिटमेंट हो जाता है तब, कि आज उसे देखना नापाक है, गुनाह है। आज उसे देखना नापाक है, गुनाह है। चाह कर भी मिल ना सके, इससे बड़ी भी क्या कोई सजा है। मुझे कहता था सबसे पहले मुझसे हर एक बात, वो जो देता था मेरी खुशियां मेरे गम में मेरा साथ। मैं देखती ही रह गई बस ख्वाब उसके, थाम लिया उसने किसी और कहा। सोचती थी कभी तो सुनेगा मेरे दिल की बात, कभी तो देखेगा मेरे जज्बात। और देखते ही ये क्या हो गया है, जिसमें दुनिया बसती थी मेरी, वो आज किसी और की दुनिया बसाने चला है। बिफोर ही गेट्स कमिटेड बता दीजिए, सिंगल लोगों को बोल रही हूँ। नहीं तो बाद में ऐसे ही। और अगर कमिटमेंट हो जाता है उसका किसी के साथ तो लड़को, तो लिखा है कि जो गलत है सो गलत है उसे सही कहना सही नहीं होगा। अगर तू हो चुका है किसी और का तो मेरा कभी नहीं होगा। और तुझे चाहने की ख्वाहिश या पाने की कोशिश भी गुनाह है, और ये गुनाह हमसे तो नहीं होगा। बहुत सारे जिनों को मैंने देखा है जो फ्रेंड्स हैं एंड हैप्पीली मैरिड, यहाँ पे भी कुछ लोग दिख रहे हैं फ्रेंड्स हैं उससे ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा था। अब और ऐसे ही रैंडम थॉट्स लिखती हूँ मैं। तो लिखा है कि तुमसे दिल लगा हम घाटे का सौदा कर बैठे, मोहब्बत करनी थी हद में कुछ ज़्यादा कर बैठे, बिना सोचे समझे जीने मरने का वादा कर बैठे। और बड़ी ही मुश्किल से पीछा छुड़ाया तुमसे, अकल हमारी घास चरने गई, इश्क तुम ही से दोबारा कर बैठे।